देसी मुर्गा जब कट ही गया है तो बनाने में देरी क्यों करना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देसी मुर्गा बनाने की रेसिपी। तो आइए वीडियो को पूरा देखते हैं और रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये जो मुर्गा मैंने कटवाया है वो पूरा 2 kg 500 ग्राम का है और इसका जो मीट निकला है वो 1 kg 900 ग्राम है। इसको अच्छे से मैंने धो लिया है और इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक थोड़ा कम ही डालेंगे इसमें क्योंकि नमक हमको बाद में भी यूज करना है। एक चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें चिकन मसाला। चिकन मसाला हम इसी समय डाल देंगे ताकि इसमें अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। एक छोटी कटोरी दही को मैंने इस तरह से घोल बना के रख लिया था और इसको भी इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें। और इसको हाथ से इस तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाते हैं तो फिर लाइक सब्सक्राइब करने में कंजूसी क्यों करना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो वीडियो देखने के बाद आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे आपके लिए और कौन सी रेसिपी बनानी है। सारे मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है और सारे मसाले को मिलाने के बाद अब इसको ढक करके इसी तरह से 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जितना देर आप इसको इसमें छोड़ेंगे उतना ही इसका चिकन अच्छा बनेगा। कढ़ाई में डालेंगे 2 से 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि इसमें पानी नहीं डालना है और इसको बिल्कुल सूखा सूखा बनाना है। 3 से 4 तेज पत्ते को इस तरह से मैंने तोड़ करके इसमें डाल दिया। 4 से 5 सूखी मिर्च, ये तीखी वाली सूखी मिर्च है। 5 से 6 हरी मिर्च को इस तरह से मैंने बीच से आधा आधा काट दिया है। लहसुन और अदरक को इस तरह से मैंने मोटा दरदरा कूट लिया है, इसको भी इसमें डाल देंगे और डाल करके इसको थोड़ी देर इस तरह से चला चला के गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो देसी चिकन है ये पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता है और इसको आप सिर्फ भाप से बिना पानी डाले ही पका सकते हैं। वीडियो में मैं आपको पका के दिखाऊंगी। तड़का तैयार हो गया है, अब इसमें डालेंगे 2 से 3 लहसुन। तो मैंने ऐसे ही लहसुन का गांठ इसमें डाल दिया है। इस तरह से लहसुन के गांठ को आपने तड़का में यदि लगा करके भून दिया तो ये बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। तड़का तैयार हो गया है। 1/2 किलो प्याज मैंने इस तरह से बारीक काट करके रखा था और उसको भी इसमें डाल दिया। प्याज को चला चला करके अच्छी तरह से भून लेंगे। गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भूनेंगे। मैंने जिस तरह से इस चिकन को बनाया है आप भी इस तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। प्याज का तड़का जल्दी तैयार करने के लिए इसी समय डाल देंगे इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। नमक मैंने पहले भी डाल रखा है तो नमक का ध्यान बीच बीच में रखना पड़ेगा। हम लोग थोड़ा तेज नमक खाना पसंद करते हैं तो मैंने थोड़ा इसमें ज्यादा नमक डाला है और इस तरह से प्याज को चला देंगे। नमक डाल देने के बाद प्याज को पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर इसको पकाएंगे। प्याज को अच्छी तरह से मैंने भून लिया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको 4 से 4.5 घंटा हो गए हैं और अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है, उसको इसमें डाल देंगे।
चिकन का जो पीस है वो मैंने बड़ा बड़ा साइज का रखा है, आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने इस चिकन को बहुत कम मसालों से बनाया है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इस चिकन को आप बनाने के बाद हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने जो चिकन बनाया वो कैसा बना। चलिए अब इसको चला लेते हैं। गैस की फ्लेम को इस समय बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही चिकन को पकाएंगे, क्योंकि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और चिकन को भाप से ही पकाना है। एक बार अच्छे से चलाने के बाद इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। इस चिकन को बनाते समय बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ही बनता है, इतना तेज आंच पर ये नहीं बनता है और इसको बनने में करीबन 15 से 20 मिनट लगता है। 15 से 20 मिनट में ही ये चिकन बन करके पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मसाले को अच्छी तरह से मिला दिया। अब डालेंगे इसमें सूखा मसाला। सबसे पहले डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। एक बड़ा चम्मच डालेंगे इसमें मिक्स मसाला। बस इससे ज्यादा और मसाला हमें नहीं डालना है। सूखा मसाला डाल देने के बाद एक बार इसको ऊपर नीचे करके अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसको ढक करके थोड़ा देर और पकाएंगे। 15 से 20 मिनट लगा है इस चिकन को हमको पकाने में और चिकन एकदम से अच्छे से पक गया है। ये देखिए अच्छी तरह से तेल भी छोड़ दिया है और बिल्कुल भी पानी मैंने इसमें नहीं डाला है, सिर्फ भाप से पकाई हूँ इस चिकन को। और आप देख सकते हैं कढ़ाई में एकदम से चिकन फट गया है। ये देखिए, आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और गर्मा गर्म चिकन को चपाती के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ सर्व करें। ये बहुत टेस्टी बना है। अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।